1971 से लेकर आज तक बांग्लादेश की एक ही मांग कि आखिर कब मांगेगा पाकिस्तान माफी। 1971 में जो कुछ हुआ बांग्लादेश उसे कतई भूलने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश पूरी दुनिया में जहां भी है, बांग्लादेश के लोग पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान से एक ही चीज़ बार बार मांग रहे हैं, और वो है जो पाकिस्तान ने उनके साथ 1971 में किया उसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्यों नहीं मांग रहे हैं बांग्लादेश से माफ़ी। क्या हुआ था 1971 में, क्यों बांग्लादेश इतने सालों के बाद भी ये चाहता है कि पाकिस्तान उससे माफ़ी मांगे। ऐसा क्या गुनाह किया था पाकिस्तान ने, ऐसा क्या क्या चीज़ें थी जो इतिहास में दर्ज हो गई जिनके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। जो हरकतें, जो गलत चीज़ें उसने बांग्लादेश के लोगों के साथ की थी वो क्या थी, क्यों की थी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश ने 1971 में हुए जनसंहार के लिए पाकिस्तान से बिना किसी शर्त माफ़ी मांगने को कहा है। पाकिस्तान से अलग होने के मौके पर 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस से पहले बांग्लादेश में ये मांग तेज़ हुई है। बांग्लादेश की मांग है कि पाकिस्तान न केवल माफ़ी मांगे बल्कि युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए और उन्हें सज़ा मिले। विजय दिवस से पहले राजधानी ढाका में आयोजित एक बड़ी रैली के बाद बांग्लादेश के मुक्तिजुदा मार्च ने बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत को भी एक पत्र थमाया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से ये मांग की गई है कि वो 1971 में हुए युद्ध अपराधों और जनसंहार के लिए बिना किसी शर्त माफ़ी मांगें। इस पत्र में लिखा है कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने अपने अत्याचारों के लिए औपचारिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगी है। बांग्लादेश के मुक्तिजुदा मंच ने बांग्लादेश के 165 मिलियन बांग्लादेशियों की तरफ से पाकिस्तान से माफ़ी की मांग की है। इस साल बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद कहा था, पाकिस्तान ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे 30 लाख लोगों की हत्या की, हज़ारों महिलाओं के साथ रेप किया, बांग्लादेश इसे कभी नहीं भूल सकता। बांग्लादेश इस साल अपने देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर मुजीब वर्ष के रूप में मना रहा है। बांग्लादेश में विजय दिवस से पहले बांग्लादेश में मौजूद भारतीय राजदूत विक्रम दुराई स्वामी ने बेहतर दक्षिण एशिया के लिए आवामी लीग के बलिदान और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ने धार्मिक पहचान पर आधारित इस टू नेशन थ्योरी को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर पाकिस्तान बना था। बांग्लादेश की आज़ादी और विजय दिवस में भारतीय सेनाओं का अहम योगदान रहा था। बांग्लादेश के 49वें विजय दिवस पर बीएसएफ ने 1971 के वॉर हीरोज को अनोखी श्रद्धांजलि देते हुए इस अवसर पर 180 किलोमीटर की बैटन रिले रेस का आयोजन किया। इसमें आधी रात को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के 930 जवानों ने इस रेस को 11 घंटे से भी कम समय में पूरा किया। विजय दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के निमंत्रण पर बांग्लादेश से मुक्तिजुदा मंच और बांग्लादेश की सेनाओं के 58 सदस्यों का एक समूह कोलकाता भी पहुंचा है। ये साल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए बेहद अहम है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश के विजय दिवस के अगले ही दिन 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होने की उम्मीद है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के बाद सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी बात होगी। इस अवसर पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को नई उड़ान देने के लिए 17 दिसंबर को ही पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलहटी के बीच रेल लाइन को 55 साल बाद दोबारा खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना इसका उद्घाटन करेंगे। साल 1965 में भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद कूच बिहार के हल्दीबाड़ी और उत्तरी बांग्लादेश के चिलहटी के बीच रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी।